खबर जयपुर से, जहां नगर निगम की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। यूटी टैक्स बकायेदारों पर यह कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि सांगानेर और हवा महल जोन में इस कार्रवाई को किया गया है। आधा दर्जन जगह सीलिंग की कार्रवाई की गई है। हवा महल जोन में संपत्ति को कुर किया गया है। निगम की सतर्कता शाखा ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि नगर निगम इन दिनों सख्त दिख रहा है और आधा दर्जन जगह सीलिंग की कार्रवाई की गई है। हवा महल जोन में संपत्ति को भी कुर किया गया है। आपको बता रहे जयपुर से खबर, जहां नगर निगम की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। नगर निगम की सतर्कता शाखा ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको बता रहे हैं कि यूडी टैक्स बकायेदारों पर यह कार्रवाई हुई है। लगातार नगर निगम इन दिनों एक्टिव नजर आ रहा है। सांगानेर और हवा महल जोन में इस कार्रवाई को किया गया है। आधा दर्जन जगह सीलिंग की भी कार्रवाई की गई है। जयपुर से खबर बता रहे, जहां नगर निगम की कार्रवाई सामने आई है। हवा महल में संपत्ति को कुर किया गया है। निगम की सतर्कता शाखा ने इस कार्रवाई को किया है। लगातार इन दिनों नगर निगम एक्टिव नजर आ रहा है। यूडी टैक्स बकायेदारों पर इस कार्रवाई को किया गया है। सांगानेर और हवा महल जोन में इस कार्रवाई को किया गया है। जयपुर से खबर बता रहे हैं, जहां नगर निगम की कार्रवाई सामने आई है। आधा दर्जन जगह पर सीलिंग की कार्रवाई भी साथ ही की गई है और हवा महल जोन में संपत्ति को भी कुर किया गया है। को बता रहे, निगम की सतर्कता शाखा ने इस कार्रवाई को किया है। लगातार नगर निगम में ऐसी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। इन दिनों एक्टिव नजर आ रहा है नगर निगम। यूडी टैक्स बकायेदारों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए A1 संवाददाता दिनेश कसाना फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी दिनेश, बताएं, नगर निगम इन दिनों बहुत एक्टिव नजर आ रहा है, क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए लवीना, राजस्व वसूली को लेकर जो टारगेट रखा गया है उसको देखते हुए जो नगरीय कर जिन दुकानदारों का बकाया है, जिन संपत्तियों का, उनको लेकर नगर निगम पिछले 2 हफ्ते से ये कार्रवाई कर रहा है और आज भी हवा महल जोन में और सांगानेर जोन में निगम की सतर्कता शाखा की ओर से कार्रवाई की गई है। हवा महल जोन में एक संपत्ति को कुर्क भी किया गया है और सांगानेर जोन में करीब आधा दर्जन दुकानों को सीलिंग की कार्रवाई हुई है। साथ ही टोंक रोड पर जो जिन पर बकाया यूडी टैक्स बकाया था, उन्होंने कैश चेक देकर भी अपनी सील खुलवाई है। साथ ही निगम की ओर से जितने भी यूडी टैक्स बकाया है जिन संपत्तियों का, उन पर लगातार कार्रवाई जारी है। जी दिनेश, ये बताएं कि क्या कहीं और जगहों पर भी प्रभावी कार्रवाई संभव है? बिल्कुल लवीना, शहर में चारों तरफ जहां भी जिन संपत्तियों का यूडी टैक्स बकाया है उनको लेकर निगम लगातार कार्रवाई कर रहा है और जो भी जिन भी दुकानदारों को हो, चाहे किसी भी तरह का जो टैक्स बकाया है उस पर कार्रवाई जारी रहेगी। जी दिनेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से बता दें कि जयपुर में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, इसमें यूडी टैक्स बकायेदारों पर कार्रवाई की गई है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन।